जिला रही भी आवाम में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है। मुस्लिम लीग के एमएलए मियां इम्तियाज अहमद कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए हैं। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद अशफाक से, जो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद है। अहमद, बताइएगा कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं? जी शुक्रिया, मुल्क भर की तरह आज जिला रहीमिया खान में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है। मुस्लिम लीग नून के मियां इम्तियाज ने हल्का NA 170 से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। इसी तरह जो है रहीमिया खान, खानपुर, लियाकतपुर और सादिकाबाद में जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन राय के मुताबिक अब तक तकरीबन 400 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो जमा करवाए हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है और कागजात नामजदगी आज 4 बजे तक जो है जमा करवाए जाएंगे। टाइम में जो है कोई भी रद्द नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन 2018 में हिस्सा लेने वालों में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो सियासी पार्टी के उम्मीदवारों से ज़्यादा जो है वो देखने में आई है। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, मगर इस मरतबा जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों में ज़्यादा तादाद जो है आज़ाद उम्मीदवारों की है। इलेक्शन कमीशन ने जिला रहीमिया खान में 19 रिटर्निंग और 32 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तैनात किए थे, जो आज आखिरी रोज जो है कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं। इसके बाद जो है स्क्रूटनी का अमल शुरू किया जाएगा। आज हतमी लिस्टें भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस के बाहर और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। अहमद अशफाक और इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने